प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर में बेटा आपका थर्ड है मोशन इन अ प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पे आज देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। कोई पैसेंजर है अराइव इन ए न्यू टाउन, विशेस टू गो फ्रॉम टू द स्टेशन टू द होटल। तो ये बेटा आपका कोई स्टेशन है बेटा, इसको होटल पे पहुंचना है। और ये बेटा डिस्टेंस बेटा कितनी गिवन बेटा आपको है, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेट रोड है ना, जो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको 10 किलोमीटर गिवन है। लेकिन कोई डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स ही सर्क्यूटियस पाथ आपका 23 किलोमीटर। तो बेटा उसने क्या, अगर आपका किसी कैब ने इसको बेटा ऐसे घुमा कर से क्या ले गया, आपका 23 किलोमीटर घुमा कर ले गया। और उसको टाइम बेटा कितना लगा, 28 उसको मिनट लगा है। तो बेटा इस केस में क्या पूछ रहा है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और बेटा आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। दोनों केस में आपको बताना है कि दोनों आपके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट कर दें। आपका थोड़ा फर्स्ट केस में देखिए, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर बेटा क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस बेटा कितने गिवन है आपको, 23। और बेटा टाइम टेकन कितना लगा आपको, 28 मिनट है ना। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपका मैं। तो फर्स्ट केस में बेटा आपका डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है आपको है, 23 किलोमीटर आपको है। और बेटा आपको टाइम टेकन कितना लगा, 28 मिनट है ना। देखो क्योंकि बेटा कैब ड्राइवर क्या कर गया, उसको पूरा घुमा के ले गया था, उसको ये पूरा घुमा के इसको ले गया था है ना, क्योंकि आपका डिस्टेंस आपका हो जाएगा। तो टाइम बेटा यहाँ पर कितना बेटा लगेगा आपका, टाइम बेटा कितना हो जाएगा, उसको मिनट को बेटा आप क्या करेंगे, आपका आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो डैट केस में बेटा आपका यहाँ पर आपका आंसर आपका आ जाएगा 28/60। ठीक है, तो बेटा आपका एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चली आपने, 23 किलोमीटर, आपको टाइम कितना लगा, 28/60। तो 60 आपका ऊपर जाएगा आपका, तो डैट केस में बेटा कितना आपका हो जाएगा, आपका आपका एवरेज स्पीड बेटा कितना आपका हो जाएगा, 23 × 60/28। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बेटा कितना आपका आ गया, 1380/28। तो उसको सॉल्व करके प्यारे बच्चों आपका आंसर बेटा कितना आपका आ गया, 49.29 मीटर पर सेकेंड। तो क्या निकल गया आपका, एवरेज स्पीड निकल गया। ठीक है, चलिए आप बेटा जरा यहाँ पर एवरेज हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो बेटा आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा, टाइम बेटा देखो कितना किलोमीटर चलना पड़ा उसको, 10 किलोमीटर चलना पड़ा। ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो डैट केस में बेटा क्या निकालना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड स्टेशन। बेटा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड स्टेशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 किलोमीटर बेटा आपका हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टैक्सी बेटा आपका कितना बेटा आपका हो जाएगा, तो एवरेज बेटा वेलोसिटी आपकी हो जाएगी आपका डिस्टेंस है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 10 है, टाइम आपको टाइम कितना लगा, 28/60। तो 60 बेटा आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ बेटा कितना आपका आ गया, 10 × 60/28। यहाँ पर बेटा देखिए आपका कितना आ गया, 10 × 60/28। तो यहाँ से एवरेज बेटा वेलोसिटी क्या निकल गई, 60/20 है। तो एवरेज बेटा वेलोसिटी कितनी बेटा निकली यहाँ से आपकी, 21.43 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों केस में आप लोग क्या देख सकते हैं कि जो आपका एवरेज स्पीड है और आपका एवरेज वेलोसिटी है, दोनों में बेटा क्या क्या डिफरेंस है। तो मतलब दोनों बेटा क्या नहीं, आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों बेटा आपका इक्वल आपका नहीं है। देखिए दोनों केस में टाइम बेटा कितना लगा आपका, सेम लगा है। ठीक है, आपका 28 मिनट ही लगा है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ से बेटा आपका, देयर फॉर द टू फिजिकल क्वांटिटीज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। तो पहले बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।